नताशा, कैसी है? और इतनी रात को तू कहाँ से आ रही है? वो मेरे फ्रेंड के घर पे गई थी, उसकी बर्थडे पार्टी थी ना, दैट्स इट। ओके। क्या हुआ? सब ठीक है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm just a little tired. ओके, चल तू ऊपर जा, अच्छे से सो। मेरी कैब भी आ गई, मैं तेरे से कल दोपहर को मिलती हूँ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। लाइट को क्या हुआ? कौन है? कौन है वहां? थैंक यू सर। मैम साहब, अंडा वाला। नताशा मैम, अंडे वाला। नताशा मीम साहब, रोज तो मैडम टाइम पे दरवाजा खोलती है, पर आज क्या हुआ? नताशा मैडम, लगता है मीम साहब ना सो रही होगी, बाद में आता। ये तो दोनों दरवाजा खुला है। नताशा मेम साहब, मेम साहब आप घर पे हैं? नताशा मेम साहब, खून, thank you.
अरे राकेश जल्दी आ गया घर, तबियत पानी तो मस्त है ना? नहीं नहीं यार, वो क्या है ना कि थोड़ी तबियत खराब लग रही थी इसलिए घर जल्दी जा रहा था। क्या हुआ, बारिश में भीग गया क्या? नहीं नहीं यार, वो क्या है ना कि मैं ना। अरे क्या, नहीं नहीं, सर से लेके पांव तक पूरा पसीने से नहा रहा है तू। तेरी हालत देख ऐसा लग रहा है कि भूत भी देख लिया क्या? नहीं नहीं यार, वो क्या है ना थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए सोच रहा हूँ कि घर जाकर ना थोड़ा आराम कर लूं। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। सॉरी आंटी। तूने मुझे आंटी कहा? मैंने तुझे देखा नहीं, मुझे जाने दे। एक मिनट, तू इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ तुझे? आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? एक मिनट, सच सच बताना, तू उस जिमला फिमला के चक्कर में तो नहीं है ना? सच सच बताना। तू क्या पागलों जैसी बात कर रही है? मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है, मैं सोच रहा था कि घर जाकर थोड़ा आराम कर लूं, मुझे जाने दे। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, कुछ तो गड़बड़ है, तू ऐसा कभी नहीं करता है। क्या हुआ तुझे बता? झूठ किसने? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे पगली, अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। कितना खून बह रहा है? अरे छोड़ मेरा पैर, दिखा ना। अरे अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। कितना खून बह रहा है तुझे? अरे छोटी सी चोट लग रही है, मैं सोच रहा हूँ घर जाकर थोड़ा आराम कर लूं, हट जा, मुझे घर जाने दे, हट जा। मुझे झूठ बोल रहा है? कौन हो तुम? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम कौन हो ये मैं जानता हूं। थोड़ी हवा खाओ, ये लो पानी पियो। हेलो हेलो राकेश, उस जगह से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। जो कुछ तुमने देखा है ना उसके बारे में किसी को बताना नहीं। लाश को देखा है ना? मैंने कुछ नहीं किया, उस आदमी की लाश ना पहले से वहां पे पड़ी थी, मैं तो गलती से वहां पे पहुंच गया था। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। कौन भरोसा करेगा तुम्हारी बात पर? हाँ, तुम्हारी उंगलियों के निशान है वहां पर, तुम वहां पर थे, इस बात का सबूत तुमने वहां पर खुद छोड़ा है। और उस घर से सामान भी चोरी हुआ है, जब सीआईडी तुम तक पहुंचेगी ना तो सारा सामान तुम्हारे पास से बरामद होगा। इस बात का भरोसा दिलाता हूं मैं तुमको। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं एक गरीब लड़का, अंडा पाव बेचकर मेहनत से पैसे कमाता, आप क्यों फंसा रहे हो मुझे इस मुसीबत में? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो दोस्त हो मेरे, कौन बोला तुम दुश्मन हो? हाँ देखो, अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो मेरे लिए काम करना होगा। काम? चप्पल का निशान है बॉस, शायद 8 साइज का।
कमल के। शायद गोली लगी। सर मैंने किया था। वैसे आप? सर मेरा नाम आन्या है, मैं फोर्थ फ्लोर पे रहती हूँ। इस घर की ओनर नताशा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं आई थी तो ये सब देखा। है कौन ये आदमी, आप जानती हैं इसे? कोई जानता है इसे? नहीं सर, इन्हें कभी नहीं देखा। आप लोगों ने कभी देखा इसे? आप जानते हैं? या घर में और कौन कौन रहता है? सर नताशा और उसके हस्बैंड समीर, बस यही दोनों रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने समीर और नताशा को आखिरी बार कब देखा था? किसे ने देखा था? सर समीर अक्सर काम के सिलसिले से शहर से बाहर ही रहता है। और सर मैं नताशा से कल रात को ही मिली थी, तकरीबन 2 बजे। बहुत परेशान लग रही थी सर। रात के 2 बजे? सर ये बिल्डिंग अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, इसमें ज्यादातर फ्लैट्स खाली हैं। 5th फ्लोर पे इस फ्लैट को छोड़कर बाकी सारे फ्लैट्स खाली हैं सर। मैंने इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा देखे थे, क्या वो काम करते हैं? नहीं अभी नहीं सर, कुछ वायरिंग का काम चालू है। अच्छा वैसे आप 4th फ्लोर पे रहते हैं ना, बिल्कुल इस फ्लैट के नीचे? हाँ सर। तो फिर कुछ तो सुना होगा। हाँ यहाँ पर एक खून हुआ है। सर वो कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी सो गया, इसलिए सर अगर कोई शोर शराबा भी हुआ होगा तो मैंने नहीं सुना सर। बस बड़ी अजीब बात है इस लाश में, इसके सामने की तरफ इतना खून बहा है लेकिन पीठ की तरफ खून है नहीं। इसे गोली से तो मारा नहीं गया। तो कमाल की बात यह है कि ना किसी चाकू या खंजर से मारने का कोई निशान। बंद फ्लैट में एक अनजान आदमी की लाश, फ्लैट का मालिक ट्रिप पे बाहर, फ्लैट की मालकिन कल रात इस फ्लैट में थी पर आज गायब है नताशा। अब टूटा कहाँ है? ऊपर है। गुड मॉर्निंग आनंद जी। गुड मॉर्निंग। अबे गधे, तू ये पैकेट मुझे चुपचाप नहीं दे सकता था। माफ कर दो साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा साहब। फरहान, आन्या, क्या हो गया? एक सेकंड, आंटी,
क्या हो रहा है ये सब यहाँ पे? और आप लोग कौन है? आप कौन है? मैं कौन हूँ मतलब क्या? मेरा घर है सर, ये समीर नाम है मेरा। समीर जी, तुम्हारे घर के अंदर एक खून हुआ है। क्या खून? हाँ खून। कल रात कहाँ थे तुम? मैं बैंगलोर गया हुआ था सर, मेरी कोई बिजनेस की मीटिंग थी। मैं अभी अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ सर। टिकट दिखाई? जी। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी वाइफ नताशा कहाँ है? सर वो ठीक तो है ना सर? वही तो हम भी जानना चाहते हैं, नताशा कहाँ है? आपके घर में एक आदमी की लाश मिलती है जिसका खून हुआ है और नताशा जी गायब है। आपकी नताशा से बात कब हुई थी? नहीं सर, मेरी बात नहीं हो पाई थी। उसने कल रात को मुझे फोन किया था, लेकिन सर बहुत लेट हो गई थी तो मैं सो गया था सर। सुबह उठा तो उसके दो मिस कॉल मुझे मिले थे। जब वापस मैंने उसका फोन ट्राई किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। ये आदमी, इसे जानते हैं? नहीं नहीं सर, कौन है ये? मैं पहली बार की शक्ल देख रहा हूँ। और सर ये मेरे घर में घुसा कैसे? वही तो, ये आदमी तुम्हारे घर में घुसा कैसे? घर के अंदर सब कुछ तो ठीक ठाक था। इसका तो एक ही मतलब है कि ये आदमी जबरदस्ती घर के अंदर नहीं घुसा। या तो इसे किसी ने घर के अंदर ले लिया या फिर इसके पास तुम्हारे घर की चाबी थी। तो फिर बताइए समीर जी, तुम्हारे इस बंद घर में एक अनजान आदमी का खून हुआ है, कैसे? सर, सर मिल गया, इधर आइए। एक्सक्यूज मी सर, ये आदमी की रात में ड्यूटी थी सर, और ये जब जिंदा थे तब इस आदमी ने इन्हें देखा था। कहाँ देखा था? सर कल मैंने रात को इनको गेट के बाहर 9 बजे खड़े हुए देखा था। गेट के बाहर? हो सकता है वो किसी का इंतजार कर रहा हो। नताशा का? इस आदमी को यहाँ पे देखा? कल ये यहीं पे आसपास घूम रहा था। हाँ हाँ साहब, कल रात ये यहीं था, इधर उधर चक्कर मार रहा था और फिर थोड़ी देर बाद आया, हमसे बात करने लगा। अच्छा, आपकी दुकान में पूरे दिन इतने लोग आते जाते रहते हैं, आपने तो उसे कैसे पहचान लिया? आप सही कह रहे हैं साहब, इसको याद रखने का एक कारण था। क्या कारण है भाई? साहब यही कि वो बहुत कुछ पूछ रहा था, फालतू बातें, इधर उधर की बातें, टाइम पास कर रहा था, पूरे एरिया की जानकारी ले रहा था साहब वो। अच्छा, कैसी कैसी जानकारी? यही कि देवदर्शन बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा था। हमने कहा टाइम पास कर रहा, जाना होगा, हमने उसको पता बता दिया। देवदर्शन? ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ पे ये नताशा रहती है। बिल्डिंग का पता पूछ रहा था, इसका मतलब वो पहली बार इस एरिया में आया होगा। तुमने देखा था वो कैसे आया था यहाँ पे? हाँ सर, टैक्सी से आया, इधर उधर देखा तो फिर हमारा पास चला आया। मतलब वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो उस बिल्डिंग में जाने वाला है। टैक्सी का नंबर देखा आपने? नंबर उंबर तो साहब वो वाली टैक्सी होती है वो, अरे वही जिसको फोन करके बुलाते हैं और झट से आ जाती है। माय टैक्सी? हाँ। मतलब सर वो कैब सर्विस? यार ये माय टैक्सी वाले तो सारा रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं ना। पूर्वी पता करो कल रात 9 बजे यहाँ पे उनकी कौन सी टैक्सी आई थी। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, मेरी तो मुसीबत बढ़ती जा रही है। पता नहीं ये आदमी कैसा होगा। साहब ये पैकेट आपको? कौन भेजा तेरे को यहाँ पे? मेरा पता किसने दिया तेरे को? साहब वो एक आदमी है साहब, उसी ने मुझे आपका पता बताया और उसी ने मुझे आपको देने को कहा है साहब।
ला वो पैकेट दे। ये पैकेट तूने खोला है? नहीं नहीं साहब, मैंने इसे नहीं खोला है साहब। ये लड़के झूठ मत बोलना, सच उगलवाना मुझे आता है। तो साहब ये क्या कर रहे हो साहब, मुझे मत मारो साहब, मैं आपको बताता हूँ साहब, इसको ना मैंने सिर्फ थोड़ा सा खोला था साहब। और मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। इसमें से कुछ पैसे तूने चुराए? नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए साहब। साहब मैंने इसको सिर्फ खोल के देखा था साहब, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे जाने दो साहब, प्लीज मुझे जाने दो। माय टैक्सी वालों ने यहीं का एड्रेस दिया है। क्या है? दो दिन से एक आदमी गायब है कमरे में से, और आप लोग खुलकर भी नहीं देखते। सर कैसे देखते, वो हमेशा अपने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के रखते थे, और किसी भी स्टाफ को अंदर जाना अलाउड नहीं था। आइए सर। पंकज, 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 जाओ संभाल के, उठो उठो, करंट लगा है। ये वायर है सर, करंट वाला वायर है। माय गॉड, पंकज ठीक हो? हाँ पूर्वी, नहीं नहीं आगे मत जाओ, संभाल के उठो। सब लोग ठीक है? हाँ सर। सर इस लैंप से चल रही थी गोलियां। प्रकाश ने तो इस कमरे को बैटल ग्राउंड बना के रखा है, और ऐसा बंदोबस्त करके रखा है ना, ताकि इस कमरे में कोई अंदर आ ही ना सके, और अगर भूल से भी कोई घुस जाए तो जिंदा बाहर नहीं जा सके। इसलिए तो होटल का स्टाफ कोई अंदर आ नहीं रहा था, बाहर लगा के रखा था ना, डू नॉट डिस्टर्ब। सर इलेक्ट्रिक शॉक बुलेट, आदमी की जान तो नहीं जाएगी लेकिन काफी देर के लिए बेहोश हो सकता है, तो इतना चौंकाना तो वही होगा जिसकी खुद की जान खतरे में हो। आदया, और इतना चौंकाना रहने के बावजूद भी प्रकाश मारा गया ना, किसी ने तो प्रकाश को मारा। राकेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी इनके साथ शामिल हो? नहीं मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं ना आपके घर गया था,
मुझे ना वहां पे एक लाश मिली थी, मैंने डर के वहां से भाग गया था मेम साहब। बेवकूफ लड़की, तुमने मुझ पे गोली चलाई। कौन कौन इस ऑपरेशन में शामिल है? मुझे नहीं मालूम, मैं भी तुम्हारी तरह इस गैंग में एक मोहरा हूं। मुझे नहीं मालूम इसका लीडर कौन है। कमाल है, पूरी चीर फाड़ कर ली, पोस्टमार्टम कर लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। शरीर के अंदर काफी कुछ जल गया है, गोली तो हो नहीं सकती है। फिर ये मरा कैसे? सर, इसके शरीर के अंदर से जो टुकड़े मिले वो जिलेटिन जैसे हैं, जैसे कैप्सूल्स के होते हैं। कैप्सूल? अच्छा, और क्या सर? इसकी ये ब्लड रिपोर्ट आ गई है। हाँ, तो क्या कहती है? आप ही देख लीजिए। क्यों, टेंशन है? बहुत बड़ी टेंशन। ऐसा क्या है? अमोनियम नाइट्रेट इसकी बॉडी में? यही तो टेंशन वाली बात है सर। इसकी बॉडी में अमोनियम नाइट्रेट, बॉडी में अमोनियम नाइट्रेट, अंदर से बॉडी जली हुई और कैप्सूल के टुकड़े। माय गॉड, मतलब क्या था कैप्सूल के अंदर? मुझे इसकी ब्लड रिपोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट के अंश मिले हैं बॉस। कैप्सूल के अंदर अमोनियम नाइट्रेट? उस कैप्सूल में अमोनियम नाइट्रेट था जो इसके शरीर में गया, विस्फोट हो गया, उसी की वजह से इसकी मौत हो गई। माय गॉड, कैप्सूल छोड़ो। अरे कैप्सूल, दया को बोलो कैप्सूल की शीशी वही की वही छोड़ करके अलग हट जाए। क्या वो कैप्सूल अंदर रखो, संभल के। क्यों? अमोनियम नाइट्रेट है इसमें। अमोनियम नाइट्रेट? हाँ, इसी से मरा है वो प्रकाश। हाँ बोल। अमोनियम नाइट्रेट से भरी हुई कैप्सूल ये आदमी खाता है तो इसके शरीर के अंदर जाकर के एक जगह रुक जाती है। कैप्सूल का ऊपर का जिलेटिन उस अमोनियम नाइट्रेट को बाहर नहीं आने देता है तब तक जब तक के वो परत गल नहीं जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त के गुजरने के साथ साथ ऊपर की जिलेटिन की परत गलने लगती है और अंदर का अमोनियम नाइट्रेट बाहर आता है। बाहर आकर के इसके शरीर के और केमिकल्स के साथ रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन की वजह से एक जबरदस्त विस्फोट होता है, उसकी वजह से इस आदमी की मौत हो जाती है। चल ठीक है सर, थैंक्स। कमरे में इतना बंदोबस्त है, एक चींटी तक घुस नहीं सकती, फिर भी इस खूनी ने प्रकाश की दवाइयां कैसे बदली, कैप्सूल कैसे बदली? आ गया। ये देखिए, नीचे पाउडर गिरा है। पकच, जरा संभाल के रखो इसे। संभाल क्या? संभाल के दे।
लगता है किसी ने ड्रिल किया है। किसी ने इलेक्ट्रिक बोर्ड से दीवार खोल दिया सर। बगल वाला कमरा है सर। अच्छा तो ये है वो रास्ता, यहां से खूनी ने प्रकाश के दवाई की कैप्सूल बदल लानी। खूनी बगल वाले रूम में ठहरा हुआ था। हाँ तो यहां से बदली गई है प्रकाश की दवाई। सर ये फोटो मिली है उस रूम के ड्रॉर में। ये तो नताशा है और ये प्रकाश, इसी की तो लाश मिली थी नताशा के घर में। ये चक्कर क्या है? जरूर नताशा और प्रकाश कोई ना कोई संबंध जरूर है इन दोनों का। सर ये आदमी यहां रह रहा था पवन के नाम से। ये है पवन कुमार। मेरा घर है सर, ये समीर नाम है मेरा। नाम चाहे कितने भी बदलो चेहरा तो वही रहता है ना। इस समीर जी के दर्शन करते हैं सर। रेस्टोरेंट के अंदर जाना। सर बार बार अपनी घड़ी देख रहा है और रेस्टोरेंट के दरवाजे को देख रहा है। सर लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। पंकज नजर रखना उस पे। यस सर, ओवर एंड आउट। कोई भी नोटों को देखकर नहीं कह सकता ये नकली नोट है। बस इन्हें बाजार में फैलाने की देर है बस। अब कौन आया? पता नहीं। ये राकेश यहाँ क्या कर रहा है? इसको ये जगह किसने दिखाई? तूने? बॉस मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं इसे यहाँ का पता क्यों बताऊंगा? इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस रैकेट के लिए काम करता हूँ। और इसके साथ ये दूसरा आदमी कौन है? तू जानता है इसे? पता नहीं कौन है, शायद इसका कोई दोस्त हो। एक काम कर, दोनों को अंदर आने दे। ए मंग्या, जा दरवाजा खोल जाकर। अंदर आओ।
राकेश आओ। मैंने तुझे एक काम दिया था और वो काम तूने बहुत अच्छे से किया, लेकिन अब वो काम खत्म हो गया है, इसके लिए मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। मोहन, तू भी इन लोगों के साथ शामिल था? तुझे क्या लगा कि तू गलती से इन सब में फंसता चला जा रहा था? मैंने ही तुझे चुना था। राकेश, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी देखना, तेरे साथ साथ मुफ्त में तेरा दोस्त भी मारा जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है? नताशा, तुम? हाँ, मैं। इतनी देर लगा दी तुमने, सब ठीक तो है? गुड आफ्टरनून सर, क्या लेंगे आप? आई हैव अ कॉफी। ओके। अच्छा, तो ये है। आखिरी बार पूछ रही हूं, तुम लोगों का बॉस कौन है बता दो मुझे, वरना तुम सभी का भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारे साथ ही विक्रम का किया था। न, 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 नताशा, मेरा यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, ये रैकेट कौन चला रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर तुम लोगों को कुछ पता नहीं तो तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं। नहीं, नहीं नताशा, नहीं, नहीं, नहीं नताशा। पूछो कौन है? कौन है? मैं समीर, नताशा का हस्बैंड, उसने मुझे बुलाया था। समीर, जाओ देखो। नताशा, ये क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारे हाथ में बंदूक, ये क्या हो क्या रहा है नताशा? मैं समझाती हूँ। जो लाश हमारे घर पर मिली थी वो मेरे पापा की थी। क्या? आज तक तुमने इतने सालों में उनके बारे में कुछ बताया नहीं, कोई जिक्र नहीं किया। बचपन में मैं घर से भाग गई थी, इतने सालों में घर वालों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर थे, पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं एक मुसीबत में फंसी हूं, और वो मुझे बचाने चले आ गए और अपनी जान गंवा दी। कौन सी मुसीबत नताशा, कौन सी मुसीबत? समीर, मैं नकली नोटों के दलदल में फंस गई। नकली नोट? हाँ, और इन लोगों ने मेरे पापा की जान ले ली। बोलो कौन है तुम्हारा बॉस वाला? मैं हूँ। हिला मत तुम लोग। आन्या, ये सब तुमने किया है? क्यों? पैसों के लिए बेबी। बेबी, ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ज्यादा मत सोचो नताशा, वो क्या है ना, तुम्हारा पति मेरे प्यार में पड़ गया था, तुम्हें धोखा दे रहा था।
समीर, पर अब ये मेरे किसी काम का नहीं। वैसे कायदे से देखा जाए अब तुम सबको मरना पड़ेगा, मेरा चेहरा जो देख लिया तुम लोगों ने। कोई पैसों के लिए तो कोई अपनी मजबूरी के लिए, नहीं तो डर से मेरे नकली पैसों का कारोबार तो कर ही लेता था। नताशा के पापा को उसकी सच्चाई पता चल गई थी, वो सबके सामने मेरा सच लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें मार दिया। सूर्य होटल के प्रकाश जी के बगल वाला रूम हमने बुक किया पवन के नाम पर, मौका मिलते ही उनकी दवाई की बोतल चेंज कर दी अमोनियम नाइट्रेट के साथ। समीर और पवन तो तुम बैंगलोर नहीं गए थे, होटल सूर्या में थे हा? पैसों के लिए हो या मजबूरी में, गलत काम तो गलत काम ही होता है। तुम सब नकली नोटों के कारोबार में जो शामिल थे उसके लिए सजा मिलेगी, और अन्य तुम्हें तो शायद फांसी होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.